मेरा नाम मोहन वेदी है और मैं भारतीय जनता पार्टी में बागपत जनपद का जिले का महामंत्री हूँ। बागपत में रालोद ने गठबंधन कर लिया है सपा बसपा से, तो क्या मान क्या चल रहे हैं कि ये गठबंधन बीजेपी कितना भारी पड़ने वाला है? कोई भारी नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए चौधरी अजीत सिंह ने इनके साथ गठबंधन किया है। 3 सीटें गठबंधन में RLD को मिली है और तीनों पे परिवार के लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। जाट मुस्लिम दलित का गठजोड़ है, बीजेपी इसका कैसे सामना करेगी? कुछ नहीं, दलित वोट पहले भी भारतीय जनता पार्टी को मिला था और इस बार भी मिलना है, क्योंकि पार्टी श्री नरेंद्र मोदी ने जिनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है उन्होंने दलितों के लिए भी काफी कुछ किया। किस आधार पर आपको वोट मिलने जा रहा है? विकास के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ विकास का साथ काम विकास के लिए काम किया है और सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को और सरकार के कामों को सराहा जा रहा है और देश विदेश में भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना वर्चस्व काम कायम किया है, जिसका सब लोगों को देखने को परिणाम मिल रहा है कि विदेश नीति के तहत सभी देश आज एकजुट होकर पाकिस्तान को घेरने पर लगे हैं।